प्यार पे कोई रोक नहीं है, उन्होंने वीजा के लिए अप्लाई क्यों नहीं है, क्या क्यों उन्होंने फेक पासपोर्ट बनाए, कौन सी पांचवी पास के पास आपको 6 पासपोर्ट मिलेंगे, उसके पास फेक आधार भी मिलता है, 6 फोन भी है उनके पास, सिम भी है, व्हाट्सएप की उन्होंने हिस्ट्री भी डिलीट कर दी, पबजी खेलना आता है, हॉटस्पॉट उनको पता है, और पबजी पे लोकेशन किस तरह से ट्रेस होती है मुझे तो नहीं पता किस तरह से वो लोकेशन ट्रेस कर पाई, भारत की भाषा यूपी की, मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, मुझे भी वो डिक्शन नहीं आ पाया जो सीमा वो बोल पाती है जिस तरह की हिंदी, जितने भी एजेंट होते हैं उनको प्रॉपरली ट्रेन किया जाता है, लंबे समय की ट्रेनिंग मिलती है, और जो 4 बच्चे और महिला ये सारी चीज़ें एक प्रोटेक्शन या सुरक्षा कवच होते हैं ताकि आसानी से शक ना किया जाए, महिला प्लस उसके साथ 4 बच्चे, ये एक सुरक्षा कवच है ताकि आसानी से बचा जा सके और उस पर आसानी के शक के घेरे में ना आए। सीमा हैदर के साथ साथ उनके ससुर और सचिन को भी इस वक्त ETS ने अपनी हिरासत में लिया है। अंबर जैदी जी मेरे साथ है, मैम आप कैसे इस पूरे मामले को देखती है, कुछ लोग कह रहे हैं प्यार का मामला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि तगड़ी जासूसी का मामला है। देखिए प्यार का मामला जरूर हो सकता है लेकिन जांच इस पे जरूर खड़ी होती है क्योंकि जिस तरह से सीमा भारत में घुसपैठ कर कर आई है वो बड़े सवाल खड़े करता है, जिस तरह से उनके पास 6 पासपोर्ट मिले हैं, कई सारे सिम और कई सारे मोबाइल फोन मिले हैं और कई देश की सीमाओं को लांघ कर सीमा भारत में प्रवेश किया है उन्होंने, तो ये बड़े सवाल देश की सुरक्षा को लेकर खड़े होते हैं और वो भी देश की राजधानी से जुड़े हुए ग्रेटर नोएडा में वो आई है क्योंकि जो राजधानी है वो पूरी तरह से पॉलिटिकली हब बोले देश का एक पावर सेंटर है, तो बड़ी सुरक्षा के सवाल खड़े होते हैं और 2024 के इलेक्शन भी नज़दीक है तो साजिश हो सकती है देश के खिलाफ और देश में एक अस्थिरता पैदा करने के लिए, तो मुझे लगता है जिस तरह से लोग इमोशनल होकर अभी उसको भाभी और प्यार सम्मान दे रहे हैं ये हमारे देश की संस्कृति है कि हम हर किसी को प्यार सम्मान देते हैं एक्सेप्ट करते हैं लेकिन जो देश की सुरक्षा है उसको हम नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते। मैम एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि यहाँ पर जो ये रघुपुरा गाँव है यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट बनने वाला है, 15 अगस्त का समय नज़दीक है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि 15 अगस्त का समय नज़दीक है और 15 अगस्त को हमारा देश सबसे बड़ी आज़ादी का महोत्सव मनाता है, क्या ये कोई प्लानिंग हो सकती है, क्या आप समझती हैं? जी बिल्कुल, मैंने जैसे कि कहा कि 2024 नज़दीक है और हमारा 76वां अमृत साल का जो महोत्सव है वो हम 76 दूसरे महीने में पूरे कर जाएंगे अगले महीने में, तो ज़रूर बड़े सवाल हो सकते हैं, ये किसी बड़े नेता जो सरकार में सत्ता पक्ष में उनके खिलाफ साजिश हो सकती है या किसी बड़े विपक्षी नेता को टारगेट किया जा सकता है ताकि इस देश में अस्थिरता को पैदा किया जाए और सरकार को जो अभी मौजूदा बीजेपी की सरकार है उनको सत्ता से हटाया जा सके, तो ये किसी भी तरफ ये रुख मोड़ सकता है और अभी आम लोगों को इतनी सारी चीज़ें क्योंकि समझ में नहीं आ रही, हमारे देश में लोग भावनात्मक होते हैं, सम्मान प्यार देते हैं, यही उदारवादी संस्कृति रही है, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है जो लोग समझते हैं कि देश की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज़ हम किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। प्यार की बात करते हो तो प्यार में सबसे पहले देश के लिए प्यार आता है और उसके आगे सारे प्यार फेल हो जाते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी देश की सुरक्षा को लेकर सीमा कहीं सवाल खड़े करती है, और सीमा ही नहीं बल्कि सचिन और उसके परिवार पर भी सवाल खड़े होते हैं, अगर वो सीमा गलत तरीके से हमारे देश में आई थी तो सचिन ने या सीमा ने क्यों पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, जब पता चला जब वो शादी को रजिस्टर कराने के लिए वकील के पास गई, वकील ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो बड़े सवाल खड़े होते हैं, जांच के घेरे में सचिन का परिवार भी आने वाला है और ATS STF जितनी भी जांच की एजेंसियां हैं वो इसमें शामिल होगी। मैम वो कह रही है कि मेरी मोहब्बत थी, मेरा प्यार था, मेरी मोहब्बत मेरा प्यार मेरे को सीमा पार पाकिस्तान की सीमा को पाकिस्तान की सीमा पार कर ले आया, प्यार पे कोई रोक नहीं, उन्होंने वीजा के लिए अप्लाई क्यों नहीं है, क्या क्यों उन्होंने फेक पासपोर्ट बनाए, कौन सी पांचवी पास के पास आपको 6 पासपोर्ट मिलेंगे, उसके पास फेक आधार भी मिलता है, 6 फोन भी है उनके पास, सिम भी है, व्हाट्सएप की उन्होंने हिस्ट्री भी डिलीट कर दी, पबजी खेलना आता है, हॉटस्पॉट उनको पता है, और पबजी पे लोकेशन किस तरह से ट्रेस होती है मुझे तो नहीं पता किस तरह से वो लोकेशन ट्रेस कर पाई, भारत की भाषा यूपी की, मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, मुझे भी वो डिक्शन नहीं आ पाया जो सीमा वो बोल पाती है जिस तरह की हिंदी, तो ये सवाल जरूर होते हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान में एक सिंधी अगर सिंध बोले तो सिंध का डायलैक्ट अलग होता है और अगर पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबी उर्दू सिंधी उर्दू दोनों अलग तरह से बोलते हैं, तो उनकी उर्दू में इतनी ज़्यादा हिंदी कहाँ से आ गई, ये बड़े सवाल खड़े होते हैं, लोगों को बड़ी खुशी हो रही है लेकिन अगर कुछ बड़ा घट गया तो यही खुशी कब आपके लिए बहुत बड़ा गम बन जाएगी आपको नहीं पता चलेगा। पाकिस्तान लगातार टारगेट कर रहा है, पाकिस्तान से लगातार वीडियोज आ रही है, आपने देखा होगा कोई गन के साथ वीडियो बना रहा है, कोई नकाब के साथ वीडियो बना रहा है, कह रहा है कि हमारी बहू को वापस कर दो, 22 तारीख का समय है, कोई 23 तारीख का समय है, इसको आप कैसे देखती है? देखिए पाकिस्तान ने पहले तो हमारे मीडिया में तो हलचल मची हुई है, पिछले 2 हफ्ते से लगभग पाकिस्तान में मीडिया में एकदम सुनसान पड़ा हुआ था और अब
पाकिस्तान काउंसलर एक्सेस भी मांग रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है कि सीमा पाकिस्तानी है। पहले तो वो डिनाई कर रहे थे, इस बात को मान ही नहीं रहे थे पाकिस्तानी है, और अब सारी चीज़ें जब इतनी ज़्यादा बड़े स्तर पर फैल गई हैं तो पाकिस्तान से वो काउंसलर एक्सेस का मतलब ये होता है कि वो एक्सेप्ट करते हैं ऑफिशियली कि सीमा पाकिस्तानी है। ये अपने आप में बड़े सवाल दोबारा से खड़े होते हैं कि क्या कितनी और किस तरीके से इस तरह की सीमाओं को भारत में भेजा जाता है ताकि भारत में अस्थिरता पैदा हो जाए। एक आखिरी सवाल आपसे, ये बिल्कुल एक आखिरी सवाल ये है, चार बच्चों को आप कैसे देखती हैं? चार बच्चों को लेकर आई हैं और उनके उनके जो चाचा है बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान आर्मी में है, जो सूत्रों से खबर है। जितने भी एजेंट होते हैं उनको प्रॉपरली ट्रेन किया जाता है, लंबे समय की ट्रेनिंग मिलती है, और जो चार बच्चे और महिला, ये सारी चीज़ें एक प्रोटेक्शन या सुरक्षा कवच होते हैं ताकि आसानी से शक ना किया जाए। महिला प्लस उसके साथ चार बच्चे, ये एक सुरक्षा कवच है ताकि आसानी से बचा जा सके और उस पर आसानी के शक के घेरे में ना आए। शुक्रिया मैम। तो हमारे साथ थी अंबर जैदी, जिनका ये कहना है कि जांच होनी चाहिए और लगातार जिस तरीके से घेरे में है, एक तरीके से जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन सवाल सीमा हैदर पर जब खड़े हुए, जब वो फर्राटेदार कह सकते हैं कि बातचीत करने लगी, चाहे मीडिया हो चाहे लोकल लोग हो, उनके पहनावे से, उनकी भाषा बोली से, तभी सीमा हैदर पूरी तरीके से शक की घेरे में आ गई। और अब ATS की पूरी टीम सीमा हैदर, सचिन, मीना और नेत्रपाल जो सचिन के पिता हैं, उनसे पूछताछ कर रही है। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, ग्रेटर नोएडा, रघुपुरा गांव से।